आज वीडियो थोड़ा सा लंबा बनने वाला है। आज मेरे पास एमआई रेडमी नोट 8 प्रो, ठीक है, जो चार्जिंग नट स्टोर चार्जिंग सिंबल दिखाता है, आप ये देख लो। लेकिन इसमें कुछ स्टोर नहीं होता, तो इसमें हमारे एम्पियर मीटर में रीडिंग भी नहीं ले रहा है, इसका 0 एम्पियर दिखा रहा है। तो एक बार इसको देख लेते हैं, ठीक है। मैंने बॉडी खोल चुका हूँ, एक बार पहले पूरा मोबाइल देख लेते हैं, ठीक है। मोबाइल तो अभी तक इसने खोला नहीं है, फ्रेश बोर्ड है। दिक्कत क्या हो रखा है वो हम देखेंगे आज, ठीक है। किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, मेरी को भी पता नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, लेकिन ठीक है, हम स्टेप फॉलो करते हैं, रूल फॉलो करते हैं। उसी के आधार में हम देखते हैं कि कैसे होता है, ठीक है। होगा ठीक है, नहीं होगा तब भी देख लेंगे, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ हो ही जाएगा। तो पहले इसका हमको रूल फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी रूल को आप भी फॉलो कीजिए, और एक एक कंपोनेंट के बारे में जानिए आप, किसका क्या रूल होता है, किसका क्या रोल होता है इसमें। तो अगर वो समझ में आ जाएगा तो आपका कोई भी मोबाइल शायद दिक्कत नहीं होगा, आपको बन जाएगा, मेरे को लगता है ऐसा। तो आप ये ना घबराएं कि क्या करना पड़ेगा, पहले ही ना सोचें, आप डायरेक्ट स्टेप ले लें, ठीक है। इसके बाद मेरे को ये चेक करना है, इसका काम ये होता है, तो आसानी से हो सकता है। देखो, हम हमारा शुरू इनिशियल होता है कि हम ये करेंगे, BSI लाइन चेक कर लें, ठीक है। आधार बेसिक रूल है, देख लेते हैं, हम भी वही चेक कर लेते हैं, देखते हैं। ये देखो, दिखाना चाहिए लेकिन कुछ नहीं। एक मिनट, नहीं दिखा रहा। एक मिनट, मेरा रेड नहीं मिला, लगता है रेड प्रो, सॉरी, रेड प्रो ढंग से नहीं बैठा था। चलो कोई बात नहीं, ये देखो दिखा रहा है आसानी से, ठीक है। चलो, दोनों में BP शो कर रहा है। ये देखो, इसमें 17:45, इसमें 15:47, तो दोनों में वैल्यू है, तो इसको हम प्रॉब्लम अभी नहीं कह सकते, ठीक है। इसमें है अपना जो रूल था, तो ये देखो चार्जिंग का भी ठीक है, चार्जिंग में कोई लफड़ा नहीं है। DMDP देख लेते हैं, 780 ठीक है, 780 ठीक है। ID लाइन देख लेते हो, 637 ठीक है। मतलब ये लाइन कोई भी शॉर्टिंग या वैल्यू एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, सही लग रहा है लाइन, अभी ठीक लग रहा है मेरे को। तो देखते हैं अगला स्टेप, ये हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसमें तो हमने प्रॉपर चेक कर लिया है, देखो 1 किलो ओम का, ये बाद में कभी आपको काम लग सकता है, ठीक है। ये हमारा 3700 किलो ओम का भी हो सकता है, आपका 100 किलो ओम का भी हो सकता है, ठीक है। देखते हैं आपको, क्योंकि BSI लाइन ज़रूरी है, इसी की अभी की बात नहीं है, आपको और प्रॉब्लम हो तभी BSI लाइन काम में आ सकता है। तो BSI लाइन का वैल्यू पता होना ज़रूरी है, आपको पता चलना चाहिए BSI लाइन किस में क्या होता है। इसलिए ज़्यादा में से ज़्यादा अगर कोई भी सेट किसी काम के लिए भी आ जाए, आपको BSI लाइन चेक करने में कोई हर्ज नहीं है, आप आराम से चेक कर सकते हो, ठीक है। और बाद में अगर कुछ दिक्कत आ गया तो उसको आप आराम से चेक कर सकते हो। तो ये देख रहा हूँ मैंने चार्जर, एक मिनट, चार्जर लगा दिया हूँ, मैं वोल्टेज चेक करके देख लेता हूँ। ये देखो चार्जर, ये मैंने लगा दिया, ठीक है। तो एक बार वोल्टेज चेक करके देख लेता हूँ फिर। ठीक है, इसमें प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं, चार्जिंग में
आपका 5 पॉइंट वोल्टेज जो ले रहा था 4.89 कुछ करीब के ले रहा है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो 4.90 ऐसा ले रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो बैटरी में 0.25 ये नहीं होना चाहिए। हमारा टेम्परेचर आईडी लाइन में भी कुछ है नहीं, ठीक है। तो हमें यह चीज़ समझ में आ गया कि हमारा बैटरी में वोल्टेज नहीं पहुंच रहा है। तो देखते हैं, बहुत सारे पूजा होता है इसमें। मैंने आगे भी आपका EMI Y1 8A कुछ में मैंने फेक चार्जिंग, Note 5 Pro बहुत सारे में मैंने फेक चार्जिंग बना रखा हूँ, तो सारे में रूल अलग अलग होता है। तो मैं आपको जहाँ तक हो सके सारा रूल समझा दूँ, ठीक है। उनमें अलग रूल है, अब इसमें क्या होता है हम वो भी देखते हैं, ठीक है। क्या नहीं, क्या रूल लगता है, क्योंकि अभी तक जो हमने चेक किया हूँ उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, सारा ओके ही लग रहा है, ठीक है। तो एक बार मैं चेक को देख लेता हूँ एक बार, ठीक है। स्कीमेटिक में क्या क्या चेक करना होता है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये हमारा चार्जिंग कनेक्टर, ठीक है, मेन बोर्ड कनेक्टर चार्जिंग के लिए, बहुत सारे कनेक्ट होते हैं इसमें। तो इसमें देखो हमें DM लाइन, DP लाइन हो गया, वो इम्पोर्टेंट है, ये हमको काम लगता है, ठीक है। और इसमें क्या है काम का चीज, ठीक है। फिलहाल के लिए हमारे हमको विवास DM DP ID लाइन हो गया, ठीक है। ये थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट होता है फेक चार्जिंग में, क्योंकि इससे भी लाइन होता है आजकल। तो इसका आप सर्किट समझे, हर किसी में भी अगर फेक चार्जिंग हो तो बेसिक आपको यही है कि BSI लाइन चेक करके आपको चार्जिंग के लिए ID, DP और DM लाइन और VBUS लाइन को ज़रूर चेक कर लें, ठीक है। उसका वैल्यू, उसका रीडिंग क्या आता है वो आपको देख लेना चाहिए। तो देखते हैं इसमें आगे का सर्किट क्या होता है। बाकी तो ये देखो ठीक है, ये दोनों DM DP लाइन है, अभी मैंने दिखाया था थोड़ा देर आगे, चेक किया था मैंने, आप वीडियो पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। हम इसमें सारा कुछ बताने वाले हैं, तो होगा तब भी ठीक है, नहीं होगा तब भी देख लेंगे। तो पहले हम VBUS लाइन कहाँ कहाँ जाता है उसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि बैटरी कनेक्टर में हमारा वोल्टेज नहीं पहुँच रहा, उसको बैटरी वोल्टेज पहुँचना चाहिए था, तो फिलहाल के लिए नहीं पहुँच रहा, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। ये देखो ये हमारा ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन OBB, ठीक है। इसे सर्च करते हैं तो ये हमारा पावर मैनेजमेंट में चला गया, ठीक है। ये देखो U4700। तो देखते हैं एक बार इस पे को भी हम कहाँ कहाँ तक लाइन पहुँचता है या नहीं पहुँचता। देखो अब इसमें, अब आपको जितने भी चीज़ मैं दिखा रहा हूँ उसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरी को इसका जो शील्ड जो है उसको उतारना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ऐसे शील्ड के नीचे है, तो मेरी को शील्ड तो पहले उतारना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले शील्ड उगाड़ के देख लेता हूँ, ओके। वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं थोड़ा सा फास्ट कर लेता हूँ वीडियो को, ठीक है, नहीं तो बहुत लंबा हो सकता था। देखते हैं, मैंने एकदम वीडियो को आगे बढ़ा के, ये देखो इसको भी, शील्ड को भी आपको ध्यान से निकालना जानना चाहिए, इम्पोर्टेंट है ये भी। देखते हैं एक बार सेट निकाल दिए हमने, शील्ड तो निकाल दें, एक बार सेट चालू है कि नहीं देख लेते हैं, क्योंकि बाद में हमें ये पता चलता रहे कि मैंने क्या काम किया था और किस वजह से अगर बंद हो गया तो किस वजह से हो गया, हमको आसानी से पता लग सकता है। तो मैं एक बार सेट को
पहले चालू करके दिखा देता हूँ, ठीक है? अब मेरा सेट चालू है कि नहीं है, देखने में तो देखो कुछ नहीं हुआ है, फिर भी एक बार सेट चालू करना ज़रूरी होता है। अब कुछ भी काम कर लो, सेट में कहीं पे प्रॉब्लम आ गया तो मेरे को प्रॉब्लम कहाँ से आ गया जल्दी पता चल जाता है। तो उसके लिए कुछ काम करते ही मोबाइल को चेक कर लो, ठीक है? हाँ, ये सबसे अच्छी बात है कि आप कुछ भी चेक कर लो, कुछ भी काम कर लो तो सेट ज़रूर चेक कर लो। ये देखो मेरे पास फ़िलहाल सेट डेड नहीं हुआ, सेट अभी भी चालू है, तो मेरा जो शील्ड निकाला एकदम आसानी से निकाल गया। तो हमें इससे एक फ़ायदा होता है कि बाद में अगर प्रॉब्लम आ भी गया तो किस चीज़ से आया था पता चल जाता है, ठीक है? कि मैंने शील्ड उखाड़ा था तो मेरा सेट डेड हो गया था, या मैंने कुछ किया था इस वजह से बंद हो गया था। तो ये चीज़ कॉमन चीज़ होती है, ये देखना पड़ता है, ठीक है? ये ज़रूरी भी ज़रूरी होता है। तो मैं एक बार पहले यहाँ IC के आसपास का, जिसमें भी आपका वीवास लाइन इन होता है, उससे पहले देख लेते हैं किस कंपोनेंट में जाता है। मैं एक बार लाइन चेक कर लेता हूँ, एक सेकंड। ये देखो USB ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के बाद सीधा इस कंपोनेंट में आता है सब C4701। ये देखो C4701, इसका हम लोकेशन देख लेते हैं, एक मिनट। यहाँ पे एक सेकेंड, एक सेकेंड ना, देखना पड़ेगा। देखो आपको भी कंफ्यूज ना हो, मेरी को भी कंफ्यूज ना हो कौन सा कंपोनेंट था, पहले देख लेते हैं। देखो मैं मेनली ये स्कीमेटिक इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको कल दूसरा दिन अगर हो तो पता चल सके। ये देखो इस दोनों स्टेट कंपोनेंट के इधर, ये देखो इस वाले के सामने नीचे देख रहे हो, ये रहा। तो इसमें एक बार हम वोल्टेज चेक करके देख लेते हैं कि वोल्टेज पहुंच रहा है कि नहीं। अगर यहाँ तक वोल्टेज पहुंच रहा है तो हमारा जितना भी आगे का सर्किट था OBP वो सही है, वहाँ तक का हम लाइन ओके मानेंगे, ठीक है? तो एक बार चेक कर लेते हैं, 4.89, यानी कि जो हमारा चार्जिंग कनेक्टर में मिल रहा था वही वोल्टेज यहाँ तक मिल रहा है। तो हमारा जो भी OBB कनेक्शन वो है वो सारा ओके है, ठीक है? उसमें कोई फॉल्ट नहीं है। तो जो भी है इससे आगे वाला फॉल्ट है, तो एक बार देख लेते हैं, ठीक है, कि क्या चीज़ है इसमें। ये रहा, इसमें इम्पोर्टेंट आपको मैं दिखा देता हूँ, ये रहा USB मिड लाइन। मैंने बहुत चार्जिंग भी मिड लाइन एक हो गया आपको, ये देखो VVAT बैटरी कनेक्टर का लाइन हो गया, ठीक है? आपको देख दिखा देता हूँ बैटरी कनेक्टर का भी। ये थोड़ा मेरा स्कीमेटिक में प्रॉब्लम है तो मेरा फर्स्ट लेटर काटना पड़ रहा है। ये देखो C4706, तो देखते हमारा, एक मिनट, बैटरी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। फिर देखो 0.26, ठीक है, जो हमारा बैटरी कनेक्टर में आ रहा था वही लाइन। तो IC तक वीवस की लाइन तो पहुंच रही है, ठीक है, IC तक पहुंच रही है। तो उसके बाद ये सर्किट देख लेते हैं, क्योंकि अब क्या है कहानी अब जाके पता चलेगा। ये देखो चार्जिंग बूट देख रहे हो, एक बार इस जगह पे लाइन चेक कर लेते हैं हम, ठीक है? क्योंकि मैंने बहुत बार समझाया आपको बूस्ट कैपेसिटर थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है, अगर चार्जिंग बन रहा है तो इससे पता चल जाता है चार्जिंग बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है? तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, ये हमारा C4707, ये छोटा सा, ये देखो C4707 कंपोनेंट, तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। ये रहा कॉइल के सामने इधर वाला, ठीक है, ये रहा ये छोटा सा बीच में, एक बार देख लेते हैं। ये रहा 4.26, नहीं देखो इसमें वोल्टेज नहीं आ रहा, इसमें एक जगह 8 वोल्टेज आना चाहिए और एक जगह आपका VPS लाइन आना चाहिए, लेकिन इसमें वोल्टेज नहीं बन रहा।
है, देख रहे हो? देखो इसमें वोल्टेज नहीं बन रहा तो बहुत चीज़ हो सकता है। अगर देखो, एक तो हमारा ये वाला कैपेसिटर की वजह से, सॉरी कॉइल की वजह से, एक मिनट, L4701 देख रहे हो नीचे, L4701, एक बड़ा वाला कॉइल, एक उसकी वजह से हो सकता है, क्योंकि उसका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है इसमें। उसका काम ये होता है कि देखो इसमें तो वोल्टेज ही नहीं दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ तक हमारा BPS लाइन आना चाहिए, नहीं पहुँच रहा। एक बार देखते हैं क्या कर सकते हैं इसका, एक बार कॉइल को भी चेंज कर, इस कॉइल को भी चेंज करके देखेंगे। ये देखो L4701, L4701 का काम एक्चुअली होता क्या है कि इसमें स्विचिंग का काम होता है, ठीक है। ये जैसे ही लगता है तो ये वोल्टेज को कुछ बूस्ट करके देता है, जिसको मैंने आगे, इससे आगे भी बताया था कॉइल का काम। तो एक अक्सर ये स्विचिंग का काम करवाते हैं, ठीक है। एक बार मैं इसको निकाल के दिखा देता हूँ, स्विचिंग क्या होता है मैं अभी समझा दूँगा आपको। एक सेकेंड, पहले लाइन देख लेते हैं। देखो शॉर्टिंग तो नहीं है, एक मिनट, सॉरी प्रोब उल्टा कर दिया। ये देखो, ठीक है, हमारा वैल्यू जो आना चाहिए प्रॉपर आ रहा है। इसको आप वैल्यू बोलो, GR बोलो, ग्राउंड रेजिस्टेंस बोलो, आप चाहे डायोड वैल्यू बोलो, कुछ भी बोलो, बहुत सही है हमारा अभी। तो एक बार देखो, उस लाइन एक बार ढूंढ लेता हूँ मैं, कहीं जाता है ये देखो, ये भी इसी IC के अंदर से ही आ रहा है, ठीक है। तो अगर BPS लाइन प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है तभी बूस्ट वोल्टेज नहीं बनाएगा, ठीक है। अगर आपका स्विचिंग कॉइल भी ख़राब है तब भी बूस्ट वोल्टेज नहीं बनाएगा। अगर IC का कोई भी एक पिन से आपका वोल्टेज इन नहीं हो रहा है तब भी बूस्ट वोल्टेज नहीं बनाता। तो बूस्ट वोल्टेज नहीं बना रहा है तो अगर इसी बूस्ट, अगर कैपेसिटर ख़राब है तब भी बूस्ट वोल्टेज नहीं बनाएगा। तो देखते हैं एक बार, हम स्टेप बाय स्टेप चेक करके देखते हैं कि ये क्यों नहीं बना रहा बूस्ट वोल्टेज, ठीक है। अगर बूस्ट वोल्टेज बनाता तो हमारा शायद चार्ज हो सकता था, क्योंकि इसका बूस्ट वोल्टेज का एक साइड आपका 8 वोल्टेज आना चाहिए और एक साइड आपका BPS लाइन होना चाहिए। तो देखते हैं अगला स्टेप। देखो मेरे को एक बार कॉइल निकाल के चेक करना ही पड़ेगा, ठीक है, ताकि मैं आराम से इसको चेक कर सकूं। एक बार देख लो आप, एक सेकेंड, ये रहा, इसमें आ रहा है, ये हमारा बूस्ट ऑफ वोल्टेज आना चाहिए लेकिन सिर्फ 4 पॉइंट कुछ वोल्टेज ही दिखा रहा है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, ये रहा, ये हमारा जो कॉइल है, एक बार मैं कॉइल का अभी कहानी समझा दूंगा, ठीक है, पहले से निकाल लेता हूँ मैं। इसमें होता क्या है, आप एक बार सुन लो, आपका सर्किट का डिज़ाइन है, इसका डिज़ाइन क्या होता है कि बूस्टर कैपेसिटर में एक साइड आपका 8 वोल्टेज आना चाहिए और एक साइड 4 वोल्ट यानी कि BPS लाइन आना चाहिए। तो इस कॉइल का काम क्या होता है कि जो 8 वोल्टेज होता है, 8 वोल्टेज को स्विचिंग देने का काम कॉइल का रहता है। इसलिए कॉइल का, अगर इस तरीके का कॉइल बड़ा लगा हो तो इसको हम बूस्ट कॉइल कहते हैं, क्योंकि इसका काम ही वोल्टेज को बूस्ट करवाने का होता है।
अब आप स्विचिंग क्या है, मैंने इससे आगे वाली वीडियो में मैंने बता रखा है आपको, ठीक है, स्विचिंग किस तरीके से काम करता है। तो एक बार देख लेता हूँ, अगर कॉइल स्विच नहीं कर रहा है तब भी ये दिक्कत आ सकती है, तो मैं एक बार कॉइल को निकाल के चेक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास TS होता तो पता चल जाता, है नहीं तो मैं आपको मल्टीमीटर से ही चेक करके दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को अगर DS होता निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसी में पता चल जाता स्विचिंग बना रहा है कि नहीं बना रहा, ठीक है। आपको ये देखो दिखा देता हूँ अभी, ये देखो इस साइड 430-435 के करीब आ रहा है, ये देखो, ठीक है, ये देखो इस साइड 600 का करीब, लेकिन शॉर्टिंग कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। मैंने अगर शॉर्टिंग चेक करने की कोशिश करती, लेकिन शॉर्टिंग यहाँ पे कहीं पे नहीं है, ठीक है, प्रॉपर है। तो एक बार मैं दूसरा कॉइल डाल के देख लेता हूँ इसमें, ठीक है, कुछ होता है कि नहीं होता। मेरे पास दूसरा कॉइल पड़ा है अभी, ठीक है, पहले मैं वोल्टेज चेक कर लेता हूँ एक मिनट। तो आपको एक बार वोल्टेज मैं दिखा देता हूँ, मैंने बेल्ट लगा लिया, मेरा चार्जिंग लग गया। अब ये देखो, आप वोल्टेज देख लेना, देखो 4.65, ठीक है, ये देखो PPS लाइन आ रहा है, ठीक है, PPS लाइन आ रहा है इसमें, लेकिन ये देखो इधर 0.19, ठीक है, VPS लाइन है, इधर VPS लाइन है, इस साइड VPS लाइन है, लेकिन इसकी दूसरी तरफ आपका बूस्ट वोल्टेज बनना चाहिए, नो जो नहीं बन रहा है, अभी भी नहीं बन रहा था, पहले भी नहीं बन रहा था, मैंने कॉइल हटा दिया तब भी सेम वोल्टेज है, कोई इसमें वो डिफरेंट नहीं दिख रहा है, दिखाई दे रहा है। तो देखो अभी फ़िलहाल भी सेट आपका चालू ही होगा, और वही दिक्कत देगा कि चार्जिंग नहीं करा रहा, चार्जिंग नहीं हो रहा होगा, चार्जिंग शो ही करेगा लेकिन एम्पियर नहीं लेता, ठीक हो। तो इस कॉइल का काम आपको जो चार्जिंग का बूस्ट वोल्टेज होता है, बूस्ट के लिए स्विचिंग करने का काम होता है, ठीक है। स्विचिंग मेनली इसमें एक फीडबैक लाइन होता है, जिससे आपका जैसे वोल्टेज आउटपुट, जैसे 8 वोल्टेज आया आउटपुट हुआ अगर, तो उसी तरीके से एक हिसाब से स्विचिंग करेगा। अगर उससे कम वोल्टेज आया तो वो 8 वोल्टेज पहुंचाने के लिए उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा स्विचिंग करेगा। तो ये फीडबैक के क्या कहते हैं, फीडबैक लाइन से भी डिपेंड होता है कि कितना स्विचिंग करें, ठीक है। और स्विचिंग क्या होता है मैं आगे भी बता दूंगा, पहले वाले वीडियो में भी मैंने बता रखा हूँ, आप समझ जाओगे थोड़ा बहुत देखोगे तो, ठीक है। ये देखो मैं पहले इसमें मैं कॉइल चेंज करके दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले तो आपको हीटिंग टेप लगाना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि सामने हमारा CPU है, तो आपको थोड़ा सही रहेगा। ये देखो मैंने दूसरा कॉइल निकाल के लगा दिया हूँ यहाँ पे, 1 मिनट, थोड़ा सा शोल्डर लगा देता हूँ मैं ताकि जल्दी पकड़ ले इसको। मैं जो चीज़ कह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट कर देना कहाँ पे क्या चीज़ समझ में नहीं आया, ठीक है, मैं और अच्छी तरीके से समझाने का कोशिश करूँगा। तो जब तक आप कहोगे नहीं मेरे को पता चलेगा नहीं। तो देखो मैं पहले तो कॉइल लगा देता हूँ इसमें, ये देखो, ठीक है, चलो कॉइल तो लग गया, और इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं और एक बार वोल्टेज चेक करके देख लेते हैं। चलो
है, ज़्यादा गर्म नहीं है। तो एक बार इसमें मैं दिखा देता हूँ आपको। बेल्ट लगा के, ये मेरा चार्जिंग फ्लेक्स बेल्ट हो गया। ठीक है, अब देखो मैं इसमें एक बार वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ। ये लग गया हमारा चार्जर। चलो देखते हैं, फिर वही है, कोई डिफरेंस नहीं। 1 मिनट, ये देखो। ठीक है, कुछ भी नहीं बदला इसमें, देख रहे हो, कुछ भी नहीं। तो कॉइल से तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि स्विचिंग का जो काम था वो यहाँ से नहीं प्रॉब्लम है। तो देखो, हमारा आईसी के अंदर से ही दिक्कत हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसका जो डिटेल है मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। यहाँ से देखो, कॉइल से पहले ही देखो एक फीडबैक लाइन अंदर जा रहा है। देखो, चार्जिंग BLX1, BLX2, BLX3 करके जो ये होता है, ए लाइन ज़रूरी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फीडबैक पहुंचाने का काम इसका भी है। और अगर आपका इनपुट वोल्टेज नहीं पहुंच रहा है तब भी ये दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो मेरे को एक बार आईसी को निकाल के ही देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक बार आईसी को निकाल के देख लेता हूँ कि क्या होता है। आप देख लीजिएगा आराम से। एक सेकेंड, एक मिनट, मेरे को थोड़ा बहुत, एक देख लो आप। थ्री पॉइंट और 7 पॉइंट, ये देखो। 1 मिनट, इसमें मैंने थोड़ा हीट दिया था, इसमें तो कुछ चेंजेस आया है, देख रहे हो। ये देखो, मैंने इसमें थोड़ा बहुत हीट दिया था, अभी चेंजेस आया है। लेकिन देखते हैं चार्जर होता है कि चार्जिंग होता है कि नहीं होता, क्योंकि ये मेनली दिखाने की चीज़ नहीं है जो हम हीट दे के करते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर चेकिंग है नहीं, तो इसलिए मैंने दिखाया नहीं। ठीक है, ये प्रॉपर टेस्टिंग नहीं है। एड वोल्टेज नहीं आ रहा है तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि इसको एड वोल्टेज पहुँचना ही चाहिए। देखो, एम्पियर कुछ नहीं लिया अभी भी, मैंने जस्ट ट्राई करने के लिए किया था। तो देखो काम कर रहा है, इसने कुछ चेंजेस आ गया इसमें। तो देखता हूँ मैं आईसी एक बार निकाल के देख लेता हूँ, शायद इसमें इनपुट वोल्टेज नहीं पहुँच रहा हो सकता है। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे देखो आप, देखो जो हमारा ये बूस्ट वोल्टेज जो बनता है उसके लिए स्विचिंग का तो काम लगभग हो ही रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारा इनपुट होना चाहिए, मे बी वो इनपुट नहीं पहुंच रहा है, वो आईसी के अंदर से हमारा काम नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हमारा जो बूस्ट वोल्टेज है वो नहीं बन पा रहा। देखो, मैं एक बार आपको आईसी निकाल के, क्योंकि मेरा जो अभी थोड़ा बहुत आपको मैंने एकदम से चेंजेस दिखा, वो मैंने आईसी में थोड़ा बहुत हीट किया था, तो आपको दिखाना खास नहीं समझा, तो मैंने दिखाया नहीं वो, क्योंकि प्रॉपर चेकिंग है नहीं तो दिखाना नहीं चाहिए। देखो, एक बार मैं अब आपको आईसी निकाल के दिखा देता हूँ। ठीक है,
तो देखते हैं कुछ दिक्कत होता है कि नहीं होता, कुछ डिफरेंस होना चाहिए, देखते हैं कुछ ना कुछ तो इस पे होगा ही, देखते हैं या तो कोई लाइन ट्रैक टूटा होगा या कुछ ना कुछ किसी में लाइन मिसिंग या कुछ होगा, देखते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जैसे हीट पड़ रहा है वोल्ट वैल्यू चेंज हो रहा है, तो ऐसे में कुछ लफड़ा है, देखता हूँ एक बार, क्योंकि इसका लाइन बाहर से नहीं होता तो हमको इसी में देखना पड़ेगा। एक मिनट, देखो देखो ऐसे में कुछ पीने नहीं दिख रहे हैं, देख रहे हो सबसे नीचे वाले दो पीने नहीं सो रहे हैं, देखो एक और दो, ये हमारे में भी इनपुट के लाइन हो सकते हैं, शायद इनपुट के लाइन है, देखते हैं अभी चेक कर लेंगे लाइन क्या है, कौन सी लाइन है। तो तब तक मैं थोड़ा बहुत आईसी को साफ़ कर लेता हूँ, देख रहे हो इसमें दो लाइन है नहीं आपका, ये देखो मेरा फर्स्ट के जो जो दो लाइन है वो दो बॉल ही नहीं है यहाँ पे, तो मेरे को बॉल बनाना पड़ेगा लग रहा है। ये देखो फर्स्ट के दो जो थे वो है नहीं इसमें, ये देखो एक और ये दो, ये तीसरा लाइन भी गड़बड़ी होना चाहिए, क्योंकि तीन लाइन होते शायद तीसरा भी खराब हो सकता है, इसका बॉल तो बना हुआ है, फिर भी देख लेते हैं एक मिनट। ये रहा, ये देखो यहाँ से यहाँ तक की लाइन तो है, ये वाला कैपेसिटर देख लेते हैं एक मिनट, ये हमारा देखो वीबस का इनपुट ही लाइन है, देख रहे हो, यानी कि हमारा आईसी के अंदर इनपुट लाइन नहीं जा रहा था प्रॉपर, सिर्फ एक ही लाइन, एक मिनट यहाँ पे अभी दिखा देता हूँ मैं आपको, सिर्फ मिड लाइन से ही काम चल रहा था, ये देखो ए लाइन और ए लाइन एक ही होना चाहिए, देखो ठीक है। तो ये हमारा मेन मिला के ये यूएसबी जो हमारा ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन से आके जो आईसी के अंदर जाता है वो ही लाइन है, तो इसमें ट्रैक उखड़ी हुए हैं, ठीक है आपने देख लिया, तो एक बार मैं पूरा साफ करके दिखा देता हूँ आपको, देखो वीडियो आपको पूरा देखना है, स्टेप बाय स्टेप देखना है, अभी जिस तरीके से मैंने चेक किया उस तरीके से हमारा अभी आईसी में फॉल्ट निकला है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको सारा लाइन दिखा दिया हूँ, मैंने स्विचिंग का काम भी आपको बता दिया, क्योंकि अगर मेरा स्विचिंग नहीं हो रहा है तो या तो मेरा सामने का कॉइल ख़राब होना चाहिए था, या तो मेरा कैपेसिटर ही ख़राब होना चाहिए था, कैपेसिटर लगा नहीं मेरे को ख़राब, क्योंकि कुछ छेड़खानी हुई नहीं है तो नॉर्मली कैपेसिटर ख़राब नहीं होता, तो या तो ये वाटर डैमेज भी नहीं है, वाटर डैमेज होता तब भी कहता, लेकिन ये देखो जैसे मैंने आईसी निकाला, ये देखो तीन ही पिन उखड़े हुए हैं, देख रहे हो, ये देखो तीनों पिन प्रॉपर नहीं है, मेरे को पिन बनाना पड़ेगा, देखो आप पिन किस तरीके से बनाओगे, इस तरीके के पिन अगर उखड़ रखे हो तो इसको भी कैसे रिपेयर करना है वो भी आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो आप आराम से देखो वीडियो में, ज़्यादा फास्ट नहीं करूँगा इसको मैं, तो आपको पूरा देखना ही पड़ेगा, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ पहले।
मैं वीडियो फास्ट नहीं करूँगा अभी, क्योंकि मेरे को लाइन बनाना है, ट्रैक बनाना है। ट्रैक बनाना आप भी थोड़ा बहुत सीख जाएँ इस तरीके से, इस तरीके का ट्रैक कैसे बनाते हैं वो भी सीख जाएँ, क्योंकि इसके अंदर वहाँ भी होगा, क्योंकि बाहर ही बाहर कार्बन है। ठीक है, ये देखो ये पकड़ नहीं, शोल्डर को ही नहीं पकड़ रहा है, देख रहे हो। तो उसको मेरे को साफ़ करना पड़ेगा, इसका जो लाइन था। ये नॉर्मल साफ तो हो गया, देखो एक मिनट। ये रहा, आराम से हल्के हाथ से आपको सिर्फ बॉल को छूना है, इसमें प्रेस करना नहीं है, बॉल अपने हाथ आयरन के साथ आ जाएगा। ये देखो ये पिन मेरे को, देखो देख रहे हो, इतने अच्छे से दिखा रहा हूँ, सोल्डरिंग पकड़ ही नहीं रहा है। ये जो तीन पिन है ये सोल्डरिंग लेने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो इनको हम किस तरीके से ट्रैक बनाएं, ठीक है, वो भी देखना ज़रूरी है। एक मिनट, ये रहा तीन पिन फर्स्ट के, ये सोल्डिंग नहीं पकड़ रहे हैं, ऊपर पूरा कार्बन जमा हुआ लग रहा है इसमें, तो उसको मैं पहले साफ़ कर लेता हूँ, ठीक है, और ट्रैक उखाड़ लेता हूँ। एक मिनट, पूरा नीचे जितना, पूरा नीचे का ट्रैक बना के दिखा देता हूँ मैं एक बार। ठीक है, सर्जिकल ब्लेड से आराम से पूरा निकाल लेता हूँ मैं। ये देखो क्लियर दिख रहा है, बस देखो पूरा साफ। ये देखो पूरा निकालना पड़ेगा नीचे का हिस्सा, ये दो लाइन है और ये तीसरा लाइन, ये लाइन पूरा उखड़ गया था, सॉरी पूरा कार्बन जम गया था इसमें। तो ये किस वजह से हुआ वो तो पता नहीं मेरे को, देखो ना तो सेट पानी में गई है ना तो सेट गिरी है। ठीक है, अगर ओवर वोल्टेज से कहूँ तो इसमें ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन लगा हुआ है, तो इनका कुछ पता नहीं चलता। ठीक है, अब देखो इसमें मैं हल्का सा शोल्डर लगा के, अब थोड़ा बहुत पकड़ लेगा। ये रहा, चलो ठीक है। तो मैं, ये हमारा ट्रैक बन चुका है, तो मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, अब मैं ऐसे बना के, ऐसे लगा के, ऐसे लगा दूँगा और देखते हैं। और इसका जो पुराना कॉइल था, मैं कॉइल भी पुराना लगा दूँगा, क्योंकि इसके कॉइल में कोई दिक्कत है नहीं। तो मैं इसका जो था पहले वाला वही कॉइल भी लगा दूँगा और ऐसे लगा के आपको आगे दिखा दूंगा। ठीक है, तो मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ।
तो हमारा प्रॉपर लग चुका है और मैं सेट को चेक करके दिखा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ये लग गया हमारा बेल्ट, है बैटरी। ठीक है, और चार्ज अभी हो गया, एम्पेयर भी ले लिया। ठीक है, तो मैं आपको भी दिखा देता हूँ, मैं अकेला देख के क्या करूँगा, दिखाना तो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं सबको दिखाना है। तो पहले देख लेते हैं कि वोल्टेज ले रहा है कि नहीं। ठीक है, जो हमारा बूस्ट वोल्टेज बनना चाहिए वो वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा, वो दिखा देता हूँ पहले मैं आपको। ठीक है, ये रहा 8 पॉइंट, देख रहे हो ए, और ए 8.64 वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी चीज़ को मैं आपको एक बार पैक करके क्या कहते हैं, मैं चार्जिंग एम्पेयर मीटर में दिखा देता हूँ। ठीक है, एम्पेयर ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ये रहा। ये देखो मेरा अभी तो आईफोन का लगा हुआ है, निकाल दिया। ये हमारा टाइप सी का ए लगा, देखो ले लिया 0.6 एम्प, 0.6 सेट चालू होते ही 1.3, चलो अब प्रॉपर ले रहा है, देख रहे हो एम्पियर में कोई दिक्कत नहीं। ये देखो 1.3 एम्पियर और चार्जिंग लगा हुआ है। ठीक है, तो पहले इसमें रीडिंग कुछ भी नहीं दिखाता था, लेकिन अभी प्रॉपर एम्पियर ले रहा है। ठीक है, धन्यवाद।